सीधे दिखाइए यूक्रेन का टोटल ब्लैकआउट जो हम इंफॉर्मेशन दिखाने जा रहे हैं। यहां पर रूसी हमले ने यूक्रेन की लाइफलाइन को पूरी तरह खत्म कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, पावर प्लांट्स पर क्रूज मिसाइलों के टारगेट अटैक से यूक्रेन में ब्लैकआउट है। डीपीआर, सुमी, नेप्रो पेत्रोवस्क, पोल्टावा और ज़ेपोरेजिया, ये वो इलाके हैं जहां पर ओडिशा में अंधेरा कायम है। इन सारे इलाकों में अंधेरा है। ब्लैक और कैस्पियन सी में तैनात रूसी वॉरशिप से दागी मिसाइलें, कई मिसाइलें दागी गई हैं। ब्लैकआउट की वजह से यूक्रेनी रेलवे पर असर हुआ है, ट्रेनें लेट हैं, सबवे सिस्टम प्रभावित हैं। आम लोगों को लाइट और हीट को तरसने के मकसद से यह हमला किया है, यह ज़ेलेंस्की का कहना है। ज़ेलेंस्की सिर्फ कह ही रहे। अगली बड़ी खबर जो ज़ेलेंस्की की है, खार्किव अटैक पर ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। एक आतंकवादी ही रहता है, ज़ेलेंस्की ने कहा विद द स्टिल्स रूस के हमलों से खार्किव। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डोनेस्क में अंधेरा है, ज़ेलेंस्की ने कहा। हार की बौखलाहट में पावर प्लांट को निशाना बनाया, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की का ये रिएक्शन, मैं चाहूंगा इसको 50-50 में रखें। इस वक्त की बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की जो है वो पैनिक मोड में है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर और ये चिंताजनक खबर है, ज़ेपोरेजिया पावर प्लांट पर हुए हमले की आई तस्वीर। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ज़ेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया मिसाइल से हमला। ज़ेपोरेजिया के लोगों ने पावर प्लांट पर 4 धमाके सुने। के इसी पावर प्लांट पर IAEA ने किया था दौरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ज़ेपोरेजिया पावर प्लांट पे एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोप में भारी ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ चुका है। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ज़ेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का आखिरी रिएक्टर भी बंद हो चुका है। 50-50 प्लीज। लगातार बमबारी से खतरे में यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट। एक दूसरे पर लगा रहे प्लांट पर हमले का आरोप। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा। विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ हैं, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ। विनोद सर, मेरे लिए बहुत चिंताजनक खबर है, ज़ेपोरेजिया अगर शटडाउन हुआ तो पूरे यूरोप को नुकसान होगा, लेकिन ज़ेपोरेजिया अगर डैमेज हुआ तो एक और चेर्नोबिल होगा। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, मैंने एक मैप लगाया हुआ है निशान जी। यस सर। ये वो मैप है जहां लाल, ब्लू, ब्लैक, यहाँ पे सारी जो अटैक हुई है। और अगर मैं इफ आई स्टिक माय नेक आउट कहते हैं ना अंग्रेजी में कहूं, तो ये हो गया है पावर वॉर, क्योंकि प्यूटिन जान चुका है कि ये जो आने वाले विंटर में अगर घुटना अगर इनसे टिकवा सकते हैं आप एंड पॉपुलेशन इनको प्रेस कर सकता है कि ये वॉर को बंद करो और स्टेटस को की तरफ आप मूव करो, वो है एनर्जी को खत्म करना ताकि लोग ठंड में अपने अपने आकाओं को पुश करें। दैट इज, ये हो गया है पावर वॉर। आप इसको समझिए, ये टेरिटोरियल वॉर नहीं रहा है। और ये मैक्रोन समझ चुके हैं और ZNPP के बारे में मैक्रोन ऑलरेडी आगाह कर चुके हैं कि भाई एक चेर्नोबिल या न्योंस्का जैसा रेडिएशन एक्सीडेंट जो चेर्नोबिल 86 में हुआ था और न्योंस्का 2019 में, इस तरह का दोबारा ना हो और जानो माल का नुकसान ना हो और वो पूरा एरिया अनयूजेबल ना हो जाए। तो और ये अटैक भी आप देखिएगा, ये कोई कोर भी नहीं हुआ अटैक, तो ये बिल्कुल ही सर आप जो बता रहे हैं आपने और, बहुत बड़ी लाइन दे दी है, आई एम गोइंग टू यूज इट फर्दर इन माय शोज, कि ये पावर वॉर शुरू हो चुका है। पावर यानी एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला वॉर शुरू हो चुका है। सीधा ये गोप्रो ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वो क्लोज हो चुका है। यहां पर ये बड़ी खबर, ब्यूटीफुली मेड ग्राफिक्स, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, हमारी टीम ने बड़े अच्छे से बनाया है। यहां पर ये देखिए आप, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरेजिया का आखिरी रिएक्टर बंद, नंबर वन। आइलैंड मोड पर चल रहे प्लांट को बिजली ग्रिड से जोड़ने के बाद बंद किया गया। प्लांट का एकमात्र चालू रिएक्टर अपने कूलिंग उपकरणों के लिए बिजली पैदा कर रहा था।
यूक्रेन रूस प्लांट के आसपास बमबारी के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। बमबारी ने प्लांट को ग्रिड से जोड़ने वाली बिजली की लाइनों को तबाह कर दिया है। दिस इज शॉकिंग एंड दिस इज पावर वॉर। रूस से प्लांट छोड़ने और आसपास डीमिलिटराइज जोन बनाने देने के मांग की गई है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।